मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे नंबर सिस्टम सॉल्यूशंस। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो देख लेते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन इज 125.750, ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा डेसिमल में। तो लेट्स सी कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इस नंबर को 125.750, ये एक डेसिमल नंबर, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो डेसिमल से हमें बाइनरी में आना है, तो इसके लिए रूल रहता है लाइक दिस। आपको पहले 125 इसको जो है सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको इसे कन्वर्ट करना है टू में, बाइनरी में, तो आप इसको टू से डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज क्वोशेंट 62 और रिमाइंडर जो होगा वो हम यहाँ लिखते चलेंगे। दिस इज 2 3 6, 2 1 2 एंड रिमाइंडर इज 0, 15 2 30 रिमाइंडर इज 1, 7 2 14 रिमाइंडर इज 1, 2 3 6 रिमाइंडर इज 1 एंड 2 1 2 रिमाइंडर इज 1। ठीक है, और इसको जो हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं डाउन टू अप, तो दिस इज 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट मोस्ट पोर्शन, ये वाला। अभी अभी हमने 0.750 को भी सॉल्व करना है, राइट मोस्ट पोर्शन को, और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है इस ऐसे। तो जहाँ भी जिससे भी कन्वर्ट करना है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर इज जो डेट इज जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 1500, 1.500। अब 0.500 जो ये वाला जो पोर्शन है इसको फिर से उठाएंगे और टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेट इज 1.000। तो ये तब तक मल्टीप्लाई करते हैं हम जब तक 000 नहीं आ जाता पॉइंट के बाद। तो आ चुका है, अब इसका जो ये वाला पोर्शन है पॉइंट से पहले वाला पोर्शन, ये उठाते हैं हम और वो टॉप से डाउन उठाते हैं, टॉप से बॉटम। ठीक है, और ये क्या हो गया 0.11, टॉप से बॉटम डेट इज 1 1। तो दिस इज द आंसर। इसके बाद हम जो है इस आंसर को कंप्लीट लिखेंगे और ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया है 0.11, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये लेफ्ट मोस्ट पोर्शन था और ये राइट मोस्ट पोर्शन। ठीक है, अब जो हमारा एक्स आया दैट इज 1 1 1 1 1 5 1, फिर 0 1.11, तो दिस इज द आंसर ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन ऑक्टल। ये जो नंबर है इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। नंबर है हमारा, नंबर इज 125.750। ठीक है, डेसिमल नंबर, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो है पैटर्न रहेगा 125, ये जो नंबर है इस बार हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो ऑक्टल यानी 8 से हम जो है डिवाइड करेंगे, तो 8 15 इज 120, रिमाइंडर इज 5, 8 1 इज 8 एंड रिमाइंडर इज 7। ठीक है, और इसको जो हमने लिखना है इस तरीके से बॉटम टू, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं 8 0 0 एंड 1, 0 तक हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो है बॉटम टू हमारा आंसर लिख देंगे 175। ठीक है, अब राइट मोस्ट पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, और दिस वन इज 0.750 इंटू 8, तो आंसर इज 6.000, कुछ इस तरीके से आएगा। तो 6 जो है इसका आंसर होगा, टॉप टू बॉटम हम इसे लिखते हैं, तो 0.6 ये हमारा हुआ। और इसको कंप्लीट करेंगे इस आंसर को, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, इस नंबर को हैक ऑक्टल के अंदर। ठीक है, ऑक्टल नंबर के अंदर। तो वाई जो आया, ये हमें वाई में कन्वर्जन चाहिए था, तो वाई इज 175.6, ये हमने इसको कन्वर्ट किया है ऑक्टल के अंदर। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू हेक्सा डेसिमल नंबर। अभी हमने यही नंबर को जो है कन्वर्ट करना है 125.750, जो कि डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल नंबर में।
पैटर्न वही रहेगा, आपको डेसिमल नंबर किसी भी डेसिमल नंबर को कहीं भी कन्वर्ट करना है तो आपका पैटर्न यही रहता है। लेफ्ट मोस्ट पोर्शन को आप इसी तरीके से लिखते हैं, 16 से इसे डिवाइड करेंगे इस बार, क्योंकि इसे हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 16 7 ज़ा डेट इज 12 112, ठीक है, रिमाइंडर इज 13, नेक्स्ट इज 16 0 0 एंड रिमाइंडर इज 7 13। ए जो कि कॉरस्पॉन्डिंग होता है 10 के, बी कॉरस्पॉन्डिंग होता है 11 के, सी कॉरस्पॉन्डिंग होता है 12 के एंड डी कॉरस्पॉन्डिंग होता है 13 के। तो 13 एक जो पूरी डिजिट आई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो डेसिमल जो डिजिट्स जो बाइनरी में जो हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, इस डेसिमल के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम नंबर लिखेंगे दैट इज डी, क्योंकि ये 13 नहीं है, ये 13 है। तो 13 जो है ए से 15 जो डिजिट्स रहती हैं वो 10 to 15 के कॉरस्पॉन्डिंग रहती हैं, ठीक है। तो 13 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा डी, तो 7 डी बॉटम से आप लिख दिया हमने। अब पॉइंट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं 16 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी 12.000। तो ये 12 जो आ गया, इसके लिए जो है हम मेंशन कर सकते हैं सी, दिस इज सी, तो 7D.C दिस इज इक्विवेलेंट हेक्सा डेसिमल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो जेड, इसको हमने जेड को कन्वर्ट करना था, जेड को सॉल्व करना था, और जेड आ चुका है 7D.C में। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा एक्स आ चुका है और वाई आ चुका है, दिस वन इज द एक्स, दिस वन इज वाई एंड दिस इज जेड। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नाउ इससे आगे भी हम जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लेंगे, और भी क्वेश्चंस लेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में कोई भी बात हमसे पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़े हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।